होती है सर, हेजिटेशन है, फोबिया है, स्टेज फोबिया है, या इस एमआर के साथ क्या लगना है, कहाँ हैंड लगना है, कहाँ एएनजी लगना है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, am I right? Yes, sir. लेकिन इन सारी प्रॉब्लम से हट के मैं सबसे पहले आपकी क्वेश्चन, इंग्लिश है क्या चीज, बनी किससे है, एनी आइडिया? यस, इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर वोकैबुलरी तो बनी है, लैंग्वेज नहीं होती ना. एग्जैक्टली, शब्दों से बनी है, वोकैबुलरी से बनी है, वंडरफुल. यस, ग्रामर से, नाइस. एबीसीडी से बनी है ना, पक्का ना? वेरी गुड. संस्कृत से बनी है? नो सर. बनी है. मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो बता ही नहीं ना, मैं तो थोड़ी देर में बताऊंगा. ठीक है, चलिए, मजाक बहुत हो गया. लेट्स कम बैक टू द पॉइंट. इसी चीज ध्यान रखना, अभी आपके सामने इंग्लिश क्या है ये? ट्री. हाँ, बच्चों ने ऐसे बनाया ना, कार्टून वाला. ठीक है, ट्री. इंग्लिश इज लाइक दिस, बहुत बड़ा पेड़ है जिसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं. दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड कि ये है क्या भला. बट मेरे को सिर्फ एक चीज बताओ, ये हमारा पेड़ भाई साहब जब बनता है तो सबसे पहले क्या होता है? एक छोटा सा बीज, सीड, है ना? एक बीज को सबसे पहले पौधा बनना होता है, उसके बाद वो बड़ा होता है और वो एक विशाल पेड़ बन जाता है. एक बीज को पौधे में परिवर्तित होने के लिए क्या चीजें चाहिए होती है? खाद, पानी. बहुत बढ़िया, नाम ही ले दो, नाम ले दो फिर बोल देंगे. वेरी गुड. मुझे कोई ऐसी दो चीजें बताओ जो चाहिए चाहिए, बाकी चीजें ना भी मिले तो भी काम चाहिए. सनलाइट, वेरी गुड. एक चीज सनलाइट, दूसरी वाटर. ये दो चीजें तो मैंडेटरी है ना, हमने देखा ना वो. तो मतलब एक बीज को पेड़ बनने के लिए, सॉरी पौधा बनने के लिए क्या चाहिए? दो चीजें. मोटी सी बात, हमारी इंग्लिश बेस किस पे करती है, बनी किससे है? बनी है तो सिर्फ एक चीज से बनी है, दैट इज कॉल्ड किससे बनी है? किससे बनी है? तो कितना भी बड़ा पेड़ हो, सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिए होता है? बीज. वो बीज क्या है इंग्लिश का? वर्ब. और एक वर्ब को, सॉरी, एक बीज को पौधे में कन्वर्ट होने के लिए दो चीजें चाहिए, सनलाइट एंड वाटर. हमारी इंग्लिश को बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. कहानी खत्म. आप जितनी भी इंग्लिश किताबों में पढ़ते हो, न्यूज में सुनते हो, नॉवेल्स में पढ़ते हो, जहां मर्जी इंग्लिश का रूप देख लेना, इसके और इसके कॉम्बिनेशन से बनता है, दैट्स इट. इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है जिससे इंग्लिश बनती है. आओ थोड़ा सा और आगे वर्क करते हैं. सो अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे. जनरली वर्ब कितने टाइप के होते हैं? फाइव होती हैं. और कोई यार, मजाक खेल रहे हो ना. देखो मैंने पूछा वर्ब्स कितनी होती है, देखो वर्ब्स दो है. Yes. है ना, वर्ब्स कितनी है? दो है. तो आज के बाद कंफ्यूज मत होना, थ्री या फाइव जो आप बोलते हो वो तो फॉर्म्स है उसकी, वो भी सिखाऊंगा. एक कॉमन क्वेश्चन, वर्ब्स कितनी होती है? दो. टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स. कौन कौन सी? मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. वापस आते हैं, मेन वर्ब्स का काम क्या है हमारी इंग्लिश में? गाने कौन कौन सुनता है? बस दो जने, तीन जने, चार, सभी सुनते हैं. सॉन्ग को देखें तो क्या सिर्फ एक हीरो और एक हीरोइन डांस कर रहे होते हैं? वो पुरानी फिल्में थी, है ना, बस दो ही डांस कर रहे होते थे. आजकल तो कैसे रह रही है, मेन हीरो और उसके साथ में कई सारे, बहुत सारे. मतलब जो इंग्लिश में मेन रोल निभाता है, जो मेन हीरो हमारे गाने में होता है, वो मेन हुआ. जो उसका सपोर्ट करते हैं वो हेल्पिंग हुआ. ये बात समझ आई? पक्का? इसके बाद आप कभी नहीं बोलोगे. तो इंग्लिश में जो मेन रोल निभाएगा, जो आपको बताएगा काम, हो क्या रहा है, वो ही है मेन वर्ब. लेकिन जो उसका सपोर्ट करेंगे, किसे कौन सी फॉर्म, सॉरी कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है, इज एम आर हैज क्या लग रहा है, वो ही बताएगा. यहां तक बात समझ आई? यस सर. पक्का? जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं स्कूलों में, हमें टीचर्स ने पढ़ाया, गो, वेंट, गॉन, इसको हम बोलते हैं मेन वर्ब. क्या बोलते हैं? मेन वर्ब. क्या बोलते हैं? मेन वर्ब. लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, मेन वर्ब हम कैसे पता लगा सकते हैं, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इसके लिए भी बता रहा हूं, जिस काम को करने में आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट वर्क करे, वो सब मेन वर्ब, वो सब मेन वर्ब है, जिसको आप बोलते हैं क्रिया. ठीक है, जिसको पता है वेरी गुड, जिसको नहीं समझ आता वो एक छोटा सा लॉजिक ध्यान कर लो. जिस काम को करने में आपकी पूरी बॉडी का कोई भी पार्ट वर्क करे, वो मेन वर्ब है. थप्पड़ मारना हाथ काम कर रहा है ना, आंख मारना आंख काम कर रही है, गॉट द पॉइंट, जाना पैर से जा रहे, पीछा पीछा करना, तो ये सारी. और इजी है तो करना,
ये ना वाला सेंस, जाना आना खाना पीना बोलना बैठना सोना उठना, सुबह से लेकर रात तक आप जितने काम करते हो वो सारे क्या कहलाते हैं मेन वर्ब्स। ये बात समझ आई? मेन वर्ब्स की थ्री फॉर्म्स आपको जनरली बुक्स में मिलती है, बहुत कॉमन है, लेकिन आजकल इसको और इजी कर दिया गया है, गोइंग एंड गोज, टोटल फाइव फॉर्म्स कर दिए। यार बच्चों को ये समझ आ रहा है कि यहां से लेके यहां तक ही इंग्लिश में फॉर्म्स यूज होते हैं किसी भी वर्ब के, इसके अलावा कोई फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। ये बात समझ आई? यस सर। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये फाइव फॉर्म्स होती है। एनी डाउट? नो सर। अगर इसके बाद मैं बात करूं हेल्पिंग वर्ब्स की, बड़े मजेदार है सर भाई। अच्छा एक बात बताओ यार, हेल्पिंग वर्ब से पहले एबीसीडी पढ़ी आपने? अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26, 27, 28? पक्का सोच? 26 होते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। याद रखने का एक मोटा सा उपाय, अगर आप जनरली किसी से क्वेश्चन पूछोगे ना हेल्पिंग वर्ब्स कितनी होती हैं, मैं आपसे पूछो हेल्पिंग वर्ब्स कितनी होती है पहले बताओ। बहुत सारी, मेरे को और बार ऐसा सीरियसली बता रहा हूँ। नहीं 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 वो बात है, ठीक है। सो हेल्पिंग वर्ब्स कितनी होती है? बहुत। अच्छा एक बात बताओ, हेल्पिंग वर्ब्स होती क्या, ये बताए यस और नो? Nodding is not allowed. या तो yes. अच्छा कौन कौन सी होती है ये पता, कोई आइडिया? can, should, may, might, could, is, बहुत सारी होती है इन शॉर्ट। नहीं आज के बाद कभी मत बोलना बहुत सारी होती है। कोई भी टीचर, कोई भी बच्चा, कोई भी आपका छोटा भाई बहन वगैरह पूछे सीखने के लिए, उन्हें डायरेक्ट बताओ हेल्पिंग वर्ब्स कितनी होती है? 26। कितनी होती है? 26। सॉरी 26। याद रखने का शॉर्ट, ए टू जेड कितना अल्फाबेट्स होते हैं? 26। तो याद रखने का तरीका 26 ही हमारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब्स। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब्स। आओ जरा सीखते हैं। ये तो समझ आ गया ना? यस सर। अगर ये समझ आ गया तो इसके बाद मेन रोल इन्हीं का है, क्योंकि सारी मदद यही करते हैं। आप जितनी मर्जी ताजी सब्जी ले आओ, गैस नहीं होगी ना तो खाना नहीं बनेगा। तो सब्जी ये नहीं भैया पकाएगी, गैस और मसाले, इनके बिना तो कच्ची सब्जी खा के तो स्वाद ही नहीं आता इंसान को, ठीक है। सबसे पहले मजेदार फैमिली आती है बी। बी इज लाइक अ ग्रैंडफादर ऑफ अ फैमिली, मतलब एक पूरे कुनबा है, उस कुनबे का हेड है भैया बी। बी का मतलब क्या होता है? अच्छा जनरली आपने एक चीज फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यस सर, है ना, फाइव मार्क्स का क्वेश्चन, और उसमें ऐसा आता था ही डैश अ बी। हम बड़े तुक्के मारते थे यार, क्योंकि उस टाइम आते हिंदी ना ग्रामर, चल आई एनजी लगा दिया, ईडी लगा दिया, भाई साहब ये वाला हमेशा छोड़ के आता था, क्योंकि ना तो आई एनजी ढुकता ना ईडी लगता, तो इट वॉज वेरी कंफ्यूजिंग। आई होप शायद ये वाला एक्सपीरियंस आप में से शायद किसी को रहा हो, चलिए रहा होगा, लेकिन आज के बाद नहीं रहेगा, इट्स अ गारंटी, क्योंकि आज के बाद आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहली बात, बी का मतलब क्या होता है? जहां पे भी बी आ जाए ना वहां पे क्या क्या लग सकता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। बी का मतलब होता है इज, एम, आर, पास्ट में इसी को लेके चले तो वॉज और वर, क्या होता है? सॉरी वॉज वर। इसके बाद में बात करूं तो बीन और बींग, ये यूज होते हैं पैसिव वॉइस। बात समझ आई? समझ नहीं आया? बी फैमिली, आगे बढ़ता हूं, और बी फैमिली के बाद लेके आते हैं हम हैव। बी फैमिली है जिसके छोटे तीन मेंबर है, हैज, हैव और हैड, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो डू फैमिली, और डू फैमिली में क्या होता है? डू, डिड, डज। ये बात समझ आई? पक्का? यस सर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा मैंने? मॉडल्स। सॉरी मॉडल्स, मॉडल्स तो नहीं ना, हाँ ध्यान रखना, इट्स नॉट मॉडल्स। बच्चे अक्सर सुनते हैं और बच्चे अक्सर बोलते हैं सर मॉडल्स, नो 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 नो, इट्स कॉल्ड मॉड्स। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे महंगे महंगे गैजेट्स है यार, फोन है ना, तो यू कैन जस्ट टाइप एंड सर्च, द प्रोनाउंसिएशन इज मॉडल्स नॉट मॉडल्स, ठीक है। लिसन, जो मॉडल्स बोलते हैं, यहां पे आता हूं, विल्बर्ट, शलशर्ट, केनकर्ट, मेमाइट, अप टू, need, dare, used to, must।
मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि हेल्पिंग वर्ब्स कितनी होती हैं? 26. पक्का ना? Yes. Let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 30 and 13? 26. पूरी इंग्लिश ग्रामर में जो अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे सर ग्रामर में डर लगता है समझ नहीं आता कहां क्या लगेगा सिर्फ इनकी और इनकी दोस्ती है. अगर आपको यह समझ आ गया कि किसकी दोस्ती किसके साथ कैसे अच्छी बैठती है तो आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर आ गई आई गारंटी यू. और इन 26 के अलावा कोई 27वीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है जिससे हमारी इंग्लिश बनती है. पूरा पूरा क्रक्स ऑफ इंग्लिश अगर मैं बोलूं क्रक्स मतलब होता है निचोड़ क्रक्स ऑफ इंग्लिश इज दिस. अब आपको यह पता है कि आपका पूरा कोर्स क्या है और आप क्या पढ़ेंगे पूरे कोर्स में. एनी डाउट? नो सर. पता? यस सर. एक्टिव वॉइस हो पैसिव वॉइस हो नरेशन हो सब इसी से बनता है. पाइनएप्पल रहता हो या घी का रहता हो और वट एवर या लस्सी पीनी हो सब बंसी उस दही से ही है. दिस इज ऑल दिस अबाउट इसी से ही हमें सारी क्रिएशन करनी है. यहां तक कोई शक? नो सर. पक्का? यस सर. इसके अलावा इंग्लिश कुछ भी नहीं है ये बात समझ आई? यस सर. पक्का? यस सर.